जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पे टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है स्मृति मंदना के रूप में, और देखा जाए तो स्मृति मंदना जो है 36 रनों की पारी खेल के जो है पेवलियन लौटते हुए, टीम इंडिया का जो स्कोर हुआ है 68 रनों का, उसमें से आधे रन तो अकेले जो है स्मृति मंदना के थे। लेकिन देखा जाए तो स्मृति मंदना की पारी को जो है ब्रेक लगा दिया है राबिया खान ने। राबिया खान की अगली गेंद है और बल्लेबाज जो नई बल्लेबाज अभी आई है जेमिमा रॉड्रिक्स जो है बल्लेबाजी करने के लिए आती हुई। तो जी हाँ दोस्तों, अगली बल्लेबाज जो पांचवें स्थान पे बल्लेबाजी करने के लिए आई है जेमिमा रॉड्रिक्स। तो देखते हैं जेमिमा रॉड्रिक्स किस तरह की जो है बल्लेबाजी करती है इन परिस्थिति में, खास करके स्पिन गेंदबाजों के सामने, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे बांग्लादेश के स्पिन गेंदबाज थोड़ी सी मुझे मजबूत नजर आती हुई। इस बार कट किया है बल्लेबाज ने, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के हाथों में गई है गेंद, रन नहीं मिल पाएगा पहली गेंद पे देखा जाए तो जेमिमा रॉड्रिक्स को। तो जेमिमा रॉड्रिक्स फिलहाल जो है बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है, और देखा जाए तो दो गेंदों का सामना कर चुकी है जेमिमा रॉड्रिक्स, लेकिन खाता जो है नहीं खोल पाई है। प्रेशर हल्का सा जरूर बढ़ेगा सामने जो खेल रही है कप्तान हरमनप्रीत कौर के ऊपर। वैसे भी हरमनप्रीत कौर ने जो है काफ़ी संभाल के खेला जरूर था, लेकिन विकेट गिरने की वजह से और भी थोड़ा सा दबाव जरूर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी टीम इंडिया जो है पहला ओडीआई मुकाबला हारी है, तो उसी वजह से दबाव तो रहता है। इस बार वापस से कट किया है पॉइंट के फील्डर के पास से निकलते हुए गेंद, डीप कवर का फील्डर क्या रोक पाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जब तक डीप कवर का फील्डर इस गेंद को उठा के थ्रो करे, दो रन काफ़ी आसानी से निकाल लिया है जेमिमा रॉड्रिक्स ने, और इसी दो रनों के साथ यहाँ पे जो है देखा जाए तो जेमिमा रॉड्रिक्स का जो है खाता खुल चुका है और टीम इंडिया पहुँच चुके 70 रनों पे। और इसी के साथ ऑल इस क्रिकेट से जेनी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, तो जेनी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और साथ ही में जो है सपोर्ट देने के लिए। पाँचवीं गेंद है और राइट एम ओवर द विकेट से संभाल कर खेलते हुए जेमिमा रॉड्रिक्स को भी यहाँ पे जो है पता है कि किसी भी तरह का जो है जोखिम लेना अभी जो है सही नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया का अभी अभी जो है बड़ा विकेट गिरा है देखा जाए तो स्मृति मंदना जो है पवेलियन लौटी है उसकी वजह से। आखिरी गेंद इस ओवर की राबिया खान की तरफ से, और एक बार फिर से डीप कवर में सिंगल निकाल के जेमिमा रॉड्रिक्स जो है स्ट्राइक अपने पास रखेंगी। तो कुल मिला के जो है 22 ओवरों का खेल जरूर समाप्त हो चुका है। तो 22 ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद जो स्कोर पहुंचा है इंडिया वुमेन्स की टीम का, वो पहुंचा है 71 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। रन रेट पे नज़र डाले जो मौजूदा रन रेट है अभी इंडिया वुमेन्स की तरफ से, वो 3.3 जो है 2-3 का नज़र आता हुआ। तो काफ़ी अहम मुकाबला है जिस तरह से मैंने बताया आप सभी को, क्योंकि पहला जो है ओडीआई मुकाबला 42 रनों से जो है टीम इंडिया हारी थी, और उसी वजह से जो है आज का मुकाबला और भी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। देखते हैं आज के मुकाबले में क्या इंडिया जो है कमबैक कर पाएगी, क्या आज का मुकाबला जो है जीत पाएगी, और आपकी जो भी राय हो आप भी कमेंट बॉक्स में, जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं ज़रूर से यहाँ पर आपकी कमेंट लूँगा। फिलहाल नाहिदा अख्तर जो है एक बार फिर से वापस आ चुकी है और बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिक्स मौजूद है स्ट्राइक पे। दोनों ही तरफ से जो है देखा जाए तो स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाहिदा अख्तर की पहली गेंद जेमिमा रॉड्रिक्स ने लॉन्ग ऑफ पे काफ़ी आसानी से खेल दिया है एक रन के लिए, और एक रन जो है काफ़ी आसानी से मिल भी जाएगा, और इसी सिंगल के साथ यहाँ पर जो है देखा जाए तो स्ट्राइक वापस से रोटेट होता हुआ और स्ट्राइक वापस से आ चुकी है बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर के पास। दूसरी गेंद इस ओवर की नाहिदा अख्तर की तरफ से और बल्लेबाज टीम इंडिया की कप्तान मौजूद स्ट्राइक पे। अंदर आकर स्वीप अपना फेवरेट शॉट लगाया है, गैप में गेंद है लेकिन बढ़िया फील्डिंग, डिप्स को लेकर फील्डर ने ड्राइव लगा के गेंद को रोका है, लेकिन दो रन लेने से नहीं रोक पाएंगी हरमनप्रीत कौर को। तो काफ़ी जो है स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ स्वीप लगाती है हरमनप्रीत कौर, और यहाँ पर भी स्वीप लगाया जरूर था लेकिन गेंद जो है बाउंड्री तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन दो रन जरूर मिल चुके हैं
इस तरीके से इस ओवर के नायदा अख्तर की तरफ से और बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर जो है एक बार फिर से तैयार है सामना करने के लिए। स्वीप जो है काफ़ी बढ़िया खेलती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरह से वन ऑफ द या उसके फेवरेट शॉट में से एक है जो हरमनप्रीत कौर स्पिन गेंदबाजों के सामने खेलती है। इस बार सिंगल निकाल के जो है स्ट्राइक को रोटेट कर लिया है और एक बार फिर से जो है स्ट्राइक अब वापस से आ चुका है जेमी मार रॉड्रिक्स के पास। तो डीप कवर की दिशा में हल्के हाथों से खेल के जो है सिंगल निकालते हुए दोनों की रनिंग वैसे देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है जी हाँ दोस्तों, काफ़ी फिट है। दूसरी तरफ जेमी मार रॉड्रिक्स भी रनिंग के मामले में काफ़ी तेज है और हरमनप्रीत कौर भी जो है रनिंग काफ़ी बढ़िया है, तो हमें सिंगल डबल जो है काफ़ी ज़्यादा अब देखने को मिल सकते हैं दोनों की तरफ से। आखिरी गेंद थी और गेंदबाज की तरफ खेला जरूरी, रन तो मिलने वाला है नहीं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 23 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 75 रन स्कोर पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पे। आखिरी विकेट की बात करूं, जिस तरह से स्मृति मंदना का जो है आखिरी विकेट गिरा है, स्मृति मंदना की बात करें तो उन्होंने 36 रन जरूर बनाए थे, तो अभी जितने रन बनाए हैं टीम इंडिया के उसमें से देखा जाए तो आधे रन जो है स्मृति मंदना बना के गई है, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी उन्होंने किया रन बनाने की कोशिश में, अपना विकेट जरूर यहाँ पे गवा दिया है। अब कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमी मार रॉड्रिक्स दोनों ही स्ट्राइक पे मौजूद। रबिया खान एक बार फिर से आ चुकी है गेंदबाजी करने के लिए। रबिया खान ने जो है स्मृति मंदना को बोल्ड आउट किया था और पिछले मुकाबले में जहां तक मुझे याद है 3 या 4 विकेट जो है रबिया खान ने पिछले मुकाबले में भी निकाली थी, पिछले ओडीआई जो पहला ओडीआई मुकाबला था। थोड़ी सी खतरनाक गेंदबाज है, थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ेगा और उसी वजह से जो देखा जाए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने काफी जो है अभी संभाल के बल्लेबाजी किया है, जोखिम नहीं लिया, अभी तक एक भी चौका या छक्का नहीं लगाया है, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना दबाव में खेल रही है हरमनप्रीत कौर। स्वीप लगाने की कोशिश, बीट किया बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर को और गेंद गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। स्वीप काफ़ी बढ़िया खेलती है लेकिन यहाँ पे जरूर बीट कर दिया है रबिया खान ने। 40 गेंदों का सामना कर चुकी है महज 13 रन अभी तक बनाए हैं। इस बार हल्के हाथों से खेल के सिंगल निकाल लिया, बढ़िया रनिंग, फील्डर जरूर मौजूद था शॉट एक्स्ट्रा कवर में, लेकिन उसके बावजूद भी जो शॉट खेला था वो काफी धीमा खेला था, उसी वजह से जो है सिंगल मिल चुका है। तो दूसरी तरफ जेमी मार रॉड्रिक्स जो अभी अभी आई है बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी जो है टाइम जरूर यहाँ पर ले रही है और टाइम लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक पार्टनरशिप यहाँ से बिल्ड हो जाती है तो फिर आखिरी में रनिंग रन रेट पे जरूर यहाँ पर जो है टीम इंडिया बढ़ाने की क्षमता रखती है, जिस तरह के बल्लेबाज अभी आने वाले बाकी है। आखिरी गेंद है रबिया खान की तरफ से और बल्लेबाज की बात करें तो जेमी मार रॉड्रिक्स मौजूद है स्ट्राइक पे। आखिरी गेंद डॉट गेंद के साथ यहाँ पे जो है देखा जाए तो ओवर की समाप्ति जरूर हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, 24 ओवरों का जो है खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर की मैं बात करूँ 76 रन जो है स्कोर हो चुका है जी हाँ दोस्तों 3 विकेटों के नुकसान पे। और जितने भी लोग जुड़े प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर।
तो जी हाँ दोस्तों, फिलहाल जो है फाहिमा खातून को वापस बुला लिया गया है गेंदबाजी करने के लिए। तो दोनों ही तरफ से जो देखा जाए तो स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी जो है थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत है कंपेयर टू यहाँ पर की जाए बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों से। फिलहाल तो देखा जाए तो आखिरी गेंद है इस ओवर की और बल्लेबाज जो है रॉड्रिक्स जमीमा, रॉड्रिक्स के 500 स्ट्राइक जरूर मौजूद है। पैरों पे आती हुई गेंद को डीप मिड विकेट के दिशा में हल्के हाथों से धकेल दिया है बल्लेबाज ने एक रन के लिए, और इसी एक रन के साथ यहां पे जो है देखा जाए ओवर की समाप्ति हो जाएगी। इसी के साथ जो है आधे ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। तो 25 ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद इंडिया वुमेन का जो स्कोर बना है वो बना है 83 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अगर इसी रन रेट से टीम इंडिया जो है खेलती रहेगी तो 166 रनों तक ही पहुंच पाएगी, तो कम से कम जो है 220 का टारगेट तो देना ही पड़ेगा बांग्लादेश की टीम को आज का ये जो है मुकाबला जीतना है और इस सीरीज में जो है बने रहना है। जी हाँ दोस्तों, वैसे देखा जाए पहला मुकाबला जिस तरह से मैंने बताया टीम इंडिया हारी हुई है, तो आज का मुकाबला जो है काफ़ी अहम हो जाता है टीम इंडिया के लिए। स्पोर्ट अपडेट प्रिया हमारे साथ जुड़ी है, हेलो स्वागत है आपका हमारे स्ट्रीम पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और फिलहाल यहाँ पर जो है गेंदबाजी की बात करें तो मारूफा अख्तर को 6 ओवर में एक विकेट मिला है, उसके बाद सुल्ताना नायडा अख्तर उनको विकेट नहीं मिला है। राबिया खान ने एक विकेट जरूर निकाला है, जो पहला विकेट गिरा था टीम इंडिया का उस 17 रनों पे गिरा था जिया दोस्तों, और उसके बाद जो है अंतराल पे विकेट गिरते गए। आखिरी जो विकेट गिरा है स्मृति मंदना का, जिन्होंने 36 रनों की पारी खेली थी, बढ़िया खेल रही थी स्मृति मंदना, और थोड़ी सी जल्दबाजी देखने क्या हेल्प चाहिए। और फिलहाल जो है ईमेल कर दीजिए, फिलहाल जो है यहाँ पर आधे ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद इंडिया वुमेन का जो है स्कोर पहुंच चुका है 83 रनों पे, जिस तरह से मैंने बताया है। और हरमनप्रीत कौर, जी हाँ दोस्तों, कप्तान है तो कप्तान की भूमिका निभाती हुई काफ़ी जो है उन्होंने संभाल के खेला है, लेकिन अब मुझे लगता है हल्का सा जो है रन रेट को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक एक भी चौका या छक्का नहीं लगाया है हरमनप्रीत कौर ने। 44 गेंदें खेल चुकी है, ईमेल करिएगा यहाँ पर प्लीज। और राबिया खान को एक बार फिर से जो है गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है, और बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर मौजूद है स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए। और यहाँ पर स्वीप लगा दिया है जी हाँ दोस्तों, डीप स्कोर लेक और डीप मिड विकेट के बीच में से चौका लगाती हुई, पहला चौका लगाती हुई हरमनप्रीत कौर, बेहतरीन बल्लेबाजी हरमनप्रीत कौर की तरफ से जी हाँ दोस्तों। तो हरमनप्रीत कौर जो है अब फाइनली यहाँ पर पहला चौका लगाती हुई, जिस तरह से हमने बात किया था थोड़ी देर पहले कि अभी तक एक भी चौका नहीं लगाया है, तो फाइनली जो है चौका लगा दिया है। हल्के से आगे गेंद रखी थी, स्वीप जो है उनका काफ़ी फेवरेट शॉट है, तो उसी के जरिए जो है चौका लगाती हुई नजर आ रही है। और दूसरी गेंद इस बार, ओ गेंद पड़ने के बाद जिस तरह से स्पिन हुआ है बार की तरफ, भाग्यशाली रही वहां पर हरमनप्रीत कौर जो है बाल बाल बचती हुई नजर आ रही है। बेहतरीन गेंद राबिया खान की तरफ से जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है गेंदबाजी की बात करो स्पिन गेंदबाज जो है बांग्लादेश, तारीफ तो उनकी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे काफ़ी जो है बढ़िया स्पिन गेंदबाजी कर रहे, दूसरी तरफ अब कप्तान के ऊपर जो है काफ़ी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तीसरी गेंद है हरमनप्रीत कौर, पैरों पर डाली हुई गेंद को कलाई के सहारे मोड़ दिया है डीप स्कोर लेग में एक रन के लिए, एक रन जो है काफ़ी आसानी से जो है मिल जाएगा, और इसी एक रन के साथ जो है 88 रन जो है स्कोर हो चुका है इंडिया वुमेन्स की टीम का 3 विकेटों के नुकसान पे। 25.4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है,
और क्या लगता है आप सभी को, कौन जीतेगा यह दूसरा ओडीआई मुकाबला? आपके जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में, जी हाँ दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो टीम इंडिया, मैं आप सभी को बता दूं, जिसको भी ना पता हो, पहला ओडीआई मुकाबला हार चुकी है, तो 3 ओडीआई मुकाबला है, तो आज का मुकाबला करो या मरो वाला होगा इस सीरीज के, क्योंकि अगर आज का मुकाबला हारती है टीम इंडिया तो सीरीज भी जो है गंवाने का खतरा मंडरा रहा है टीम इंडिया के ऊपर। अगली गेंद का सामना करेगी जेमी रॉड्रिक्स, पैरों पे आती हुई गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, गेंद जाती हुई पॉइंट के फील्डर के पास से, और शॉर्ट टर्मैन का फील्डर जब तक इस गेंद को रोके तब तक 2 रन जो है काफ़ी आसानी के साथ बना लेगी जेमी रॉड्रिक्स, और इसी 2 रनों के साथ जी हाँ दोस्तों 90 रन जरूर कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया वुमेन्स की टीम का। जेमी रॉड्रिक्स की बात करूं तो 15 गेंदों का सामना कर चुकी है, 18 रन बनाकर खेल रही है, और पार्टनरशिप देखा जाए तो कहीं ना कहीं बढ़िया पार्टनरशिप मैं तो कहूंगा, क्योंकि 28 गेंदों में 22 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है, और 2 गेंदें काफ़ी कम खेलती हुई दोनों ही बल्लेबाज। फिलहाल तो आखिरी गेंद पर रन तो नहीं मिल पाएगा, ओवर की समाप्ति जरूर हो जाएगी, तो कुल मिला के जो है 26 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 90 रन स्कोर पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पे, और रन रेट जो है हल्का सा यहां पर बढ़ता हुआ, और एक बढ़िया ओवर 7 रन आए, इससे पहले ओवर में भी 7 रन आए थे, तो देखा जाए तो धीरे धीरे जो अब रन गति को बूस्ट करने की कोशिश करती हुई दोनों ही बल्लेबाज, हरमनप्रीत कौर हो जेमी रॉड्रिक्स हो, दोनों ही जो है अब, और खास करके कप्तान हरमनप्रीत कौर अब काफ़ी गेंदे खेल चुकी है, तो मुझे लग रहा है वो थोड़ी ज्यादा जो है रन गति को पुश करने की कोशिश करेगी। पहली गेंद इस ओवर की स्वीप लगाने की कोशिश, एक बार फिर से बड़ी हिट खेलना चाहती थी कप्तान हरमनप्रीत कौर, लेकिन गेंद जो है बल्ले पे आई नहीं, तो फाइमा खातून जो एक बार फिर से आ चुके गेंदबाजी करने के लिए, और बल्लेबाज कप्तान हरमनप्रीत जो है मौजूद है स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए। मौर्य हसमुख हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हसमुख भाई का कहना है कि इंडिया जो है इस मुकाबले को जीतेगी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुए, तो जी हाँ दोस्तों आप में से जो भी लोग इसी तरह टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार इनका नाम जरूर लिख दीजिएगा, इंडिया मैं जरूर यहाँ से आपकी कमेंट पिक करने की कोशिश करूँगा, और साथ ही मैं अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट और खुशी देता है, और साथ ही में बिल्कुल फ्री है तो सपोर्ट जरूर करें। और इस बार यहां पर कट कर दिया है पहले सलीम के पास से जाती हुई गेंद, और चौका मिलेगा नहीं मिलेगा? जी हाँ दोस्तों बढ़िया बिल्डिंग शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की तरफ से गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए केवल कट कर दिया गेंद को। जी हाँ दोस्तों जेमी रॉड्रिक्स ने 2 रन जरूर निकाल लिए हैं, और इसी 2 रनों के साथ जो है टीम इंडिया वुमेन के स्कोर की बात करूं मैं 93 रनों पे पहुंचता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पे। तो जी हाँ दोस्तों बल्लेबाज कप्तान हरमनप्रीत कौर मौजूद है स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि सिंगल निकाल लिया है जेमी रॉड्रिक्स ने, तो 5वीं गेंद इस ओवर की, और बल्लेबाज कप्तान मौजूद स्ट्राइक पे, गेंदबाज आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से स्वीप लगा दिया है, हवा में गेंद है और डीप को लेके फील्डर के पास 1-2 बाउंस होकर पहुँचते हुए भाग्यशाली रहे वहाँ पर, थोड़ी सी और ज़्यादा हवा में होती तो फिर जो है मुश्किल हो सकती थी, लेकिन 1 रन जरूर मिल जाएगा, यानी कि आखिरी गेंद का सामना करेगी जेमी रॉड्रिक्स, 5 रन आ चुके इस ओवर से, जो शुरुआती ओवर 2-3 रन आ रहे थे लेकिन पिछले 2 ओवर को उठाकर देखे तो 7-7 रन आए हैं, और इस ओवर में भी 5 रन आ चुके हैं। आखिरी गेंद संभाल कर खेला है सामने की तरफ, गेंदबाज के हाथों में ओवर की समाप्ति हो जाएगी, तो 27 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, टीम इंडिया वुमेन का स्कोर 95 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। तो जी हाँ दोस्तों 95 रन जरूर स्कोर हो चुका है, 3 विकेट भी गिर चुके हैं। पार्टनरशिप की बात करूं मैं
27 रनों के जो है पार्टनरशिप यहाँ पे पनपती हुई। और इसी पार्टनरशिप को जो है आगे लेके जाना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों, कम से कम जो है यहाँ पर 870 रन की पार्टनरशिप की जरूरत है इन्हें दोनों ही बल्लेबाजों से। जिस तरह से दोनों ही बल्लेबाज खेल रही है, काफी बढ़िया जो है बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है। रबिया खान जो है एक बार वापस से आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। दूसरी गेंद इस ओवर की और बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर स्ट्राइक पे मौजूद है बल्लेबाजी करने के लिए। अंदर आकर कट किया, स्क्वायर कट करती हुई बल्लेबाज डीप कवर के दिशा में, फील्डर मौजूद एक रन के सहारे से जो है स्ट्राइक को रोटेट करती हुई और जेमिमा रोड्रिक्स को जो है स्ट्राइक पे वापस से आती हुई। तो जिस तरह से मैंने बताया आप सभी लोगों को, 3 ओडीआई मुकाबले जरूर है, जहाँ पर पहला ओडीआई मुकाबला हारने के बाद जो है आज का जो मुकाबला है वो काफ़ी जो है टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला हो चुका है। और उसकी वजह से अभी तक तो सही जा रहा है, 3 विकेट गिरे है, 97 रन बना लिए है। और जो पहला मुकाबला था उसमें केवल 153 रनों का टारगेट होने के बावजूद भी जो है टीम इंडिया वो कम्प्लीट नहीं कर पाई थी। फिलहाल तो चौथी गेंद है, गेंदबाज आता हुआ राइट हम ओवर द विकेट से, बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर अंदर आकर स्वीप लगा दिया है डीप मिड विकेट के दिशा में, जाती हुई गेंद नहीं रोक पाएगी डीप मिड विकेट की फील्डर, बढ़िया शॉट, एक और चौका लगाती हुई हरमनप्रीत कौर। और इसी चौके के साथ टीम इंडिया के भी जो है 100 रन कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 101 रन। तो फाइनली जो है टीम इंडिया ने 100 रन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और देखा जाए तो 15 लाइक भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 लाइक का टारगेट है और देखा जाए तो केवल 5 लाइकों की जरूरत है। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, सबसे पहले तो आप सभी का दिल खोल के स्वागत है हमारे स्ट्रीम पे जुड़ने के लिए, और प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। 5वीं गेंद इस ओवर के एक बार फिर से राबिया खान की तरफ से, और बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर जो अब धीरे धीरे रन की गति को जो है तेज करती हुई नजर आ रही है। 5वीं गेंद राबिया की और इस बार सिंगल निकाल लिया है, तो बढ़िया स्मार्ट बल्लेबाजी। जी हाँ दोस्तों, पहली गेंद पे चौका लगाने के बाद दूसरी गेंद पे सिंगल निकाल के स्ट्राइक रोटेट किया है, लेकिन जिस तरह से ड्राइव लगाया है तो उसी वजह से हल्का सा यहाँ पर जो है रन कंप्लीट करने के लिए हरमनप्रीत कौर ने जो है ड्राइव लगाया, तो घायल नजर आ रही है हरमनप्रीत कौर। जी हाँ दोस्तों, बुरी खबर यहाँ पर टीम इंडिया के लिए, क्योंकि जिस तरह से सिंगल निकालने के लिए हरमनप्रीत कौर भागी और बल्ला जो था वो जमीन पे अटक गया और उनके पेट में जाकर लगा, ऐसा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, नहीं, उनके पैरों पे जो है बल्ला जाके लगा है जो उनके हाथों से फिसला था, तो उसी वजह से जो है हरमनप्रीत कौर हल्की सी मुश्किल में नजर आती हुई। तो काफ़ी जो है बुरी खबर इंडिया के नज़रिए से बात की जाए, जिस तरह से उनको यहाँ पर जो गेंद लगी है और थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल पैदा करती हुई। जी हाँ दोस्तों, हरमनप्रीत कौर जो है फिलहाल हल्की सी इंजर हो चुकी है और सब यही दुआ करेंगे कि जो है हरमनप्रीत कौर ठीक हो, ताकि जो है टीम इंडिया की पारी आगे बढ़ पाए, क्योंकि अब जाके जो है हरमनप्रीत कौर ने थोड़ा सा आक्रामक रवैया आजमाया है और इसी बीच यहाँ पर जो है वो घायल होने की खबर और थोड़ी सी यहाँ पर जो है चिंता का विषय बनी हुई है। इकतीस रन बना चुकी है हरमनप्रीत कौर। दूसरी तरफ जेमिमा रोड्रिक्स की बात करूँ तो वो 19 रन जो है बनाकर खेल रही है। दोनों ही बल्लेबाज जो है टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हुई। और इसी बीच जो है देखा जाए, जिस तरह से मैंने बताया कि हरमनप्रीत कौर जो है घायल होती हुई, तो देखते हैं क्या वापस से खेलने में खेल पाएगी क्या हरमनप्रीत। वैसे तो इतना ज़्यादा तकलीफ तो नज़र नहीं आ रही है,
स्कोर कार्ड पे नजर डाले, स्मृति मंदना ने जो है देखा जाए 36 रन बनाए, उसके बाद प्रिया पुनिया आई थी दूसरे स्थान पे जिन्होंने 7 रन बनाए, और उसके बाद यास्तिका भाटिया की बात करूँ तो 15 रन बनाकर आउट हुई है, और उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज जो अभी क्रीज पे मौजूद है जेमिमा रोड्रिक्स 12 रन बनाकर खेल रही है, और दूसरी तरफ हरमनप्रीत कौर की बात करें तो जी हाँ दोस्तों 54 गेंदों में 31 रन बनाकर खेलती हुई कप्तानी पारी खेलती हुई इन मुश्किल परिस्थितियों से जो है बाहर निकालने की कोशिश करती हुई। जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर जो है देखा जाए तो तैयार होती हुई नजर आ रही है हरमनप्रीत कौर, तो ऐसा लग रहा है एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार है। अभी तक गेंदबाजी की बात करूँ तो 2 गेंदबाजों को विकेट मिले, मारूफ अख्तर जिन्होंने पिछले मुकाबले में 5 विकेट निकाले थे उनको 1 विकेट मिला है, और रबिया खान जिनको 1 विकेट मिला है, और एक जो है रन आउट के तौर पे आउट हुई थी यास्तिका भाटिया। कुल मिला के 3 विकेट जरूर गिरे, 2 गेंदबाजों को विकेट मिले, और रन गति को जो है थोड़ा सा यहाँ पर तेज किया है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मैं आप बताऊँ जो पहले 3.5 के अंदर था रन रेट, उस रन रेट को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर देखने को मिली है दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। क्या लगता है आप सभी को, आप भी जो है अपनी राय यहाँ पे रख सकते हैं हमारे साथ, प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा जितने भी लोग जुड़े हैं, और साथ ही में वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। तो थोड़ी देर के लिए जो है मुकाबला रुका हुआ है, जिस तरह से हरमनप्रीत कौर एक जोखिम भरा सिंगल निकाल रही थी, और देखा जाए तो जो है उनके बल्ला जो है उनके पैरों पे जाकर लगा है, हाथ से फिसल गया था बल्ला, और उसी वजह से जो है यहाँ पे मैं आप सभी को बताऊँ हरमनप्रीत कौर जो है हल्का सा घायल देखने को मिली है। अब देखना रहेगा क्या दोबारा से खेलने की स्थिति में आएगी। तो जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से तैयार है हरमनप्रीत कौर खेलने के लिए, और आखिरी गेंद जो बाकी है रबिया खान की, उस आखिरी गेंद का जो है सामना करेगी बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिक। एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार है, तो हरमनप्रीत कौर के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, कप्तानी पारी खेल रही है, और साथ ही में घायल होने के बावजूद भी हल्का सा अभी भी थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है, लेकिन फिर भी जो है खेलने के लिए तैयार है। तो हरमनप्रीत कौर की जो है खेल देने के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो 27.5 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद इंडिया वुमेन ने जो है बना लिया है 102 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। तो आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार है राबिया खान, और एक बार फिर से जो है देखा जाए तो मुकाबला जो स्टार्ट हो चुका है। आखिरी गेंद और सिंगल निकाल लिया है बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट की दिशा में जेमिमा रोड्रिक्स। तो आखिरी गेंद पे जो है सिंगल निकाल के स्ट्राइक अपने पास रखा है जेमिमा रोड्रिक्स ने, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे 28 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, और 28 ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद इंडिया वुमेन का जो स्कोर पहुंचा है 103 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। और देखा जाए इस ओवर की बात करूं मैं तो इस ओवर से जो है कुल मिला के 8 रन जरूर निकाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों 8 रन निकालते हुए इंडिया वुमेन्स की टीम। तो रबिया खान ने जो अपने 5 ओवरों का स्पेल खत्म किया है, जिन्होंने जहां पर उन्होंने 21 रन दिए है, और साथ ही में 1 विकेट जरूर निकाला है टीम इंडिया का। फिलहाल जेमिमा रोड्रिक्स एक बार फिर से तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पे मौजूद है, अंदर आकर स्वीप लगाया है, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के पास गई है गेंद, रन नहीं मिल पाएगा।
फाइमा खातून आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, अपना छठा ओवर डालने के लिए आई है। और बल्लेबाज की बात करूं मैं, जेमिमा रॉड्रिक्स तैयार है मैदान पे बल्लेबाजी करने के। तो वाइड के सहारे जो है एक और एक्स्ट्रा रन जुड़ा है हरमनप्रीत को, और अब जो है स्ट्राइक पे मौजूद है और सिंगल जरूर यहां पर मिल चुका है इसी वाइड गेंद के चलते, इसी सिंगल के साथ, सॉरी वाइड गेंद का जो एक्स्ट्रा रन जुड़ा है, सिंगल नहीं मिला है। इस बार स्क्वायर कट किया है लेकिन गेंद गया है सीधे यहाँ पर जो है पॉइंट के फील्डर के हाथों में, बैकवर्ड पॉइंट का जो फील्डर है उनके हाथों में जो है गेंद सीधे जाता हुआ, तो उसी वजह से जो है रन नहीं मिल पाएगा। तो 28.4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, इंडिया वुमेन का जो है स्कोर पहुंच चुका है 105 रनों पे 3 विकेटों के नुकसान पे। एक बार फिर से अंदर आकर स्वीप लगाना चाहती थी हरमनप्रीत कौर, पूरी तरह से जो है बीट कर दिया गेंदबाज ने। पांचवी गेंद इस ओवर के अभी तक 2 ही रन आए इस ओवर से, एक वाइड का और एक सिंगल जो निकाला है जेमिमा रॉड्रिक्स ने। तो पांचवी गेंद लेकर आते हुए बल्लेबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से और हल्के हाथों से खेल के स्क्वायर लेग के दिशा में एक रन निकाल के जो है स्ट्राइक को जरूर रोटेट कर लिया है हरमनप्रीत कौर ने। और आखिरी गेंद जो है इस ओवर की जेमिमा रॉड्रिक्स करेगी सामना। करंट पार्टनरशिप की बात करूँ 46 गेंदे, सॉरी यहाँ पर जिस तरह से पार्टनरशिप की बात की जाए 46 गेंदों में 38 रनों की जो है साझेदारी हो चुकी है, तो काफ़ी बढ़िया जो है पार्टनरशिप पनपती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया दोनों ही बल्लेबाजों की जो रनिंग है वो काफ़ी बढ़िया है, सिंगल डबल ज़्यादा देखने को मिलते हुए। फिलहाल तो आखिरी गेंद डीप कवर के दिशा में एक रन के लिए जरूर खेला है और इसी एक रन के साथ जो है ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 29 ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद इंडिया वुमेन का जो स्कोर हो चुका है 107 रन 3 विकेटों के नुकसान पे, और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे जेमिमा रॉड्रिक्स। कुल मिला के 4 रन आए इस ओवर से और कुल मिला के जो 29 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। रन रेट जो है थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, 3.69 का जो है रन रेट नज़र आता हुआ। तो बांग्लादेश वुमेन की टीम ने जो है टॉस जरूर जीता है और टॉस जीतने के साथ किया है गेंदबाजी करने का फैसला, और जिसके जवाब में फिलहाल इंडिया वुमेन की टीम जो है 106 रनों पर पहुँच चुकी है, सॉरी 107 रनों पर पहुंच चुकी है। और गेंदबाजी करने के लिए अब देखते हैं कौन, तो वापस से रबिया खान को ही बुलाया है, तो रबिया खान जो है वापस से वहीं से शुरुआत करती हूँ। पहली गेंद बैकवर्ड पॉइंट के दिशा में कट किया जरूर है जेमिमा रॉड्रिक्स ने, खेला काफ़ी बढ़िया था लेकिन जी हाँ दोस्तों यहाँ पे रन लेने का जो है मौका नहीं बनेगा, गैप नहीं ढूंढ पाई बल्लेबाज और उसी वजह से जो है डॉट गेंद जरूर देखने को मिली है। 29.1 गेंद के बाद 108 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। पार्टनरशिप की बात करूं मैं, 48 गेंदों में 39 रनों की पार्टनरशिप, बढ़िया साझेदारी। और यहां पर तो लॉन्ग ऑन पे एक और सिंगल निकालने में कामयाब जरूर हो गई है जेमिमा रॉड्रिक्स और स्ट्राइक दिया है कप्तान हरमनप्रीत कौर को। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जरूर हरमनप्रीत कौर जो है कोई बड़ा हिट लगाने की कोशिश करेंगे इस ओवर में, जिस तरह से पिछले कुछ गेंदों से हमने देखा है हरमनप्रीत कौर को रन की गति को बढ़ाने की जो है कोशिश वो कर रही है, तो जरूर यहाँ पर भी जो है एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर सकती है।
मौरी हसमुख का कहना है कि हरमनप्रीत कौर जो है 50 रन बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम भी यही उम्मीद करते हैं 50 का वो 100 रन कंप्लीट करे टीम इंडिया की तरफ से। फिलहाल तो सिंगल निकाल के जेमी मार रॉड्रिक्स को स्ट्राइक जरूर दे दिया है। चौथी गेंद है रबिया खान की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, रबिया खान एक काफ़ी बढ़िया जो है स्पिन गेंदबाज है बांग्लादेश की, उनके खिलाफ जो है देखते किस तरह से जो है सामना करती है दोनों ही इंडिया के बल्लेबाज। आइटम ओवर द विकेट से डाली हुई गेंद डीप कवर की दिशा में, एक और सिंगल निकाल लिया है। तो सिंगल के सहारे जो है स्कोर को आगे बढ़ाया जा रहा है और वैसे तो सही है जी हाँ दोस्तों, अच्छे गेंदबाज के खिलाफ जो है सिंगल निकाल के स्कोर आगे बढ़ाया जाए। और जैसे ही कोई खराब गेंदबाज यानी कि कोई वीक गेंदबाज आता है तो उनके खिलाफ जो है रन बटोरे जा सकते हैं। इस बार अंदर आई जरूर थी बल्लेबाज, लेकिन एंड टाइम पे जो है सिंगल के लिए खेला जरूर है बैकवर्ड पॉइंट पे। तो रनिंग काफ़ी बढ़िया है जी हाँ दोस्तों दोनों की, और उसी वजह से सिंगल काफ़ी आसानी से मिल रहे। 4 रन आ चुके इस ओवर से और आखिरी गेंद का जो है सामना करेगी जेमी मार रॉड्रिक्स। तो आखिरी गेंद है इस ओवर के, 30 ओवर का खेल समाप्त हो जाएगा और यहां से देखा जाए तो T20 जैसा यानी कि 20 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 30 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 111 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। और यहां पर जुड़े रहिए सभी लोग और प्लीज जिसने भी भाई अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का जो है दिल से स्वागत है हमारे स्ट्रीम पे जुड़ने के लिए। 19 लाइक हो चुके हैं, केवल एक लाइक चाहिए हमें, 20 लाइक हमारे जो है कंप्लीट हो जाएंगे। आप सभी ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। तो इसी तरह का प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।
तो मारूफ अख्तर को जो एक बार फिर से बुला लिया है गेंदबाजी करने के लिए। तो वापस से जो है तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और स्कोर की बात करें 114 रनों पे पहुंच चुका है 3 विकेटों के नुकसान पे। चौथी गेंद है मारूफा की तरफ से और गेंदबाज जाती हुई राइट आर्म ओवर द विकेट से आगे रखी हुई गेंद सामने की तरफ खेला जरूर है, मिड ऑफ में फील्डर मौजूद है, रन नहीं मिल पाएगा जेमी मार रॉड्रिक्स को। स्ट्रेट ड्राइव लगाना चाहती थी जेमी मार रॉड्रिक्स लेकिन जी हाँ यहाँ पर रन निकालने में जो है नाकामयाब हुई है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों 20 लाइक का जो है टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो इसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। पांचवी गेंद इस ओवर की मारूफा की तरफ से और इस बार कट किया है थर्ड मैन की दिशा में एक रन के लिए और एक रन के साथ जिया दोस्तों स्ट्राइक वापस से आ चुकी है हरमनप्रीत कौर के पास। जिस तरह से दोनों ही बल्लेबाजों ने स्पिन गेंदबाजों को काफ़ी अच्छी तरह से खेला है उसी वजह से जो है देखा जाए तो तेज गेंदबाज को बुलाया है अपनी सबसे सफल गेंदबाज जो है बांग्लादेश की उनको बुलाया है मारूफा को गेंदबाजी करने के लिए। देखते हैं किस तरह से सामना करते ये दोनों ही बल्लेबाज जेमी मार रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर। आखिरी गेंद इस ओवर के सामने की तरफ खेला जरूर है गेंदबाज के हाथों से लगकर ऐसा लग रहा है शायद गेंद विकेटों पे जाके लगा है तो थर्ड अंपायर को जो है रेफरल कर दिया गया है। तो थर्ड अंपायर को जो है रेफरल किया गया है रन आउट चेक किया जा रहा है। नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ी थी जेमी मार रॉड्रिक्स सामने की तरफ खेला जरूर है हरमनप्रीत कौर ने और गेंद जो है जाके लगी है विकेटों पे। अब देखना ये रहेगा कि क्या गेंदबाज के हाथों से लगकर अगर गेंद गई है तो क्या जेमी मार रॉड्रिक्स क्रीज से बाहर थी वो देखना रहेगा। अब मुश्किल में नजर आ सकती है जेमी मार रॉड्रिक्स जिस तरह से इस गेंद को खेला है हरमनप्रीत कौर ने। अगर हाथों से गेंद लग कर गया है तो यानी कि जेमी मार रॉड्रिक्स आउट है। अब देखना पड़ेगा थर्ड अंपायर का क्या डिसीजन निकल कर आता है। तो बार बार जो है रिप्ले में चेक किया जा रहा है जिस तरह से अगर हाथ नहीं लगा है तो फिर जो है जेमी मार रॉड्रिक्स नॉट आउट रहेगी। अगर हाथ पे गेंद लगी है तो फिर जेमी मार रॉड्रिक्स को जो है पेविलियन लौटना पड़ेगा। सामने की तरफ खेला हुआ शॉट था हरमनप्रीत कौर की तरफ से और जिस तरह से थर्ड अंपायर के द्वारा रन आउट चेक किया जा रहा है मुश्किल में आ सकती है जेमी मार रॉड्रिक्स। देखते क्या डिसीजन जो है निकल कर आता है थर्ड अंपायर की तरफ से क्या रन आउट दिया जाता है या फिर जो है नॉट आउट करार दिया जाएगा। अभी भी जो है क्लियर नहीं हो पाया है थर्ड अंपायर की तरफ से कि गेंद जो है हाथों से लगकर विकेटों पे टकराई है या फिर गेंद वैसे ही विकेटों पे जाकर लगी है। अभी भी जो है थर्ड अंपायर डिसीजन लेने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों नॉट आउट करार दिया है थर्ड अंपायर की तरफ से। तो 31 ओवर का जो है खेल समाप्त होने के बाद इंडिया वुमेन का जो स्कोर बना है 115 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। तो जी हाँ दोस्तों थर्ड अंपायर की तरफ से फाइनली डिसीजन आया है टीम इंडिया के फेवर में यानी कि जेमी मार रॉड्रिक्स के फेवर में आता हुआ। और एक बार फिर से जी हाँ दोस्तों स्पिन गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। मारूफ अख्तर का जो है ओवर समाप्त हो चुका है 4 रन आए इस ओवर से। तो कुल मिला के 31 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर बना है इंडिया वुमेन की टीम का 115 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। 3.71 के रन रेट से जो है बल्लेबाजी करती हुई इंडिया वुमेन की टीम। अभी भी जो है खेल थोड़ी देर के लिए रुका है पता नहीं थर्ड अंपायर की तरफ से क्या डिसीजन लिया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से तैयार है
और सुल्ताना ऐसा लग रहा है आई है गेंदबाजी करने के लिए। और बल्लेबाज की बात करूं मैं तो स्ट्राइक पे मौजूद है जेमी मार्रोड्रिक्स। अंदर आकर पहली गेंद को जो है डीप मिड विकेट के दिशा में धकेल दिया है एक रन के लिए। जी हाँ, सिंगल के सहारे जो है स्ट्राइक को रोटेट करते हुए बल्लेबाज जेमी मार्रोड्रिक्स। और जी हाँ, सुल्ताना खातून जो है गेंद अब उनको थमाया है कप्तान ने। तो सुल्ताना खातून आती हुई गेंदबाजी करने के लिए और बल्लेबाज की बात करूं मैं कप्तान मौजूद हरमनप्रीत कौर। तो सही पार्टनरशिप हो चुकी है, 48 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। तो मैच दो रन दूर है 50 रन की पार्टनरशिप होने से हरमनप्रीत कौर और जेमी मार्रोड्रिक्स। इसी ओर की तीसरी गेंद लेकर आती हुई सुल्ताना पैरों पर आती हुई गेंद कलाई के सारे मोड़ा जरूर है शॉर्ट फाइन लेग में, फील्डर मौजूद, रन नहीं मिल पाएगा हरमनप्रीत कौर को। सिंगल निकालना चाहती थी, मना किया वहां पर नॉन स्ट्राइक पे खड़ी हुई जेमी मार्रोड्रिक्स ने, सही डिसीजन। तैयार एक बार फिर से हरमनप्रीत कौर सुल्ताना का सामना करने के लिए। आगे रखी हुई गेंद और इस बार सिंगल जरूर निकाल लिया है, बढ़िया रनिंग। जी हाँ दोस्तों, रनिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, शॉट एक्स्ट्रा कवर में फील्डर होने के बावजूद भी जो है सिंगल लिया है, यानी कि सिंगल जो है चुरा लिया है, ऐसा भी कहा जाए तो गलत नहीं है। तो बढ़िया रनिंग। पांचवी गेंद का सामना करेगी अब बल्लेबाज जेमी मार्रोड्रिक्स। और बल्लेबाज की बात करूँ, जिस तरह से कप्तान ने अभी तक दो चौके लगाए हैं लेकिन काफ़ी जो है पारी को आगे बढ़ाया है टीम इंडिया की। एक और सिंगल जो है देखने को मिलता हुआ जेमी मार्रोड्रिक्स की तरफ से। और इसी के साथ जो है टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 118 रनों का और इसी के साथ 50 रनों की साझेदारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हरमनप्रीत कौर और जेमी मार्रोड्रिक्स ने एक बढ़िया साझेदारी निभाती हुई, दोनों ही बल्लेबाज 50 रनों की साझेदारी की है 64 गेंदों में, बढ़िया। आखिरी गेंद सिंगल के साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर जो है स्ट्राइक अपने पास रखने वाली है। 32 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर कार्ड की बात करूं मैं 119 रन 3 विकेटों के नुकसान पे 32 ओवरों का जो है खेल समाप्त होने के बाद। पार्टनरशिप की बात करूं 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुके हैं 64 गेंदों में, सॉरी 65 गेंदों में 51 रन आखिरी जो गेंद पर रन लिया है और इस ओवर से कुल मिला के 4 रन आए हैं। तो आखिरी जो है 18 ओवरों का खेल बाकी है, तो देखना ही रहेगा कहां तक जो है टीम इंडिया पहुंचने में कामयाब रहेगी। आपकी जो भी राय हो आप भी कमेंट बॉक्स में, जी हां दोस्तों, कमेंट करके अपनी जो भी राय हो हमें बता सकते हैं। आपको क्या लगता है टीम इंडिया जो है कितने रन यहाँ से जो है बनाने में कामयाब रहेगी? जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और मारूफा अख्तर जो है एक बार फिर से आती हुई गेंदबाजी करने के लिए, एक तरफ है स्पिन गेंदबाज और दूसरी तरफ तेज गेंदबाज के सहारे गेंदबाजी। पहली गेंद शॉट एक्स्ट्रा कवर के दिशा में खेलते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर, रन नहीं मिल पाएगा पहली गेंद पे हरमनप्रीत कौर को। तो 32.1 गेंद का जो है खेल समाप्त हो चुका है, 119 रन हो चुका है, 3 विकेटों के नुकसान पे पहुंचा हुआ स्कोर है। और मारूफा अख्तर की तरफ से दूसरी गेंद है, बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर मौजूद है स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राइट हैंड ओवर द विकेट से आती हुई मारूफा अख्तर और इस बार हरमनप्रीत कौर फुल टॉस गेंद शॉट एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से गैप ढूंढा है और चौका बटोरा है। जी हाँ दोस्तों, फुल टॉस गेंद का सही फायदा उठाते हुए और इससे चौके के साथ इंडिया वुमेन्स का स्कोर हो चुका है 1-2-3। जी हाँ दोस्तों, 123 रन 3 विकेटों के नुकसान पे पहुंचता हुआ